बहुत बहुत स्वागत है आपका रामजस क्रिकेट ग्राउंड में एक बार फिर से। एनआरसू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज बड़ा अहम मैच है, खासकर पीपी फाइटर के लिए। पीपी फाइटर जो अगर टूर्नामेंट के अगले राउंड में जाएगी तो उसको आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, फिर उनका मैच होगा डेंजर के साथ। सैबी जी की टीम तो ऑलरेडी सबसे पहली टीम बनी थी जो टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुँच चुकी थी, तो अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इस मैच के। टॉस के ऊपर निर्भर है। कौन उछाल रहा सिक्का? सचिन उछाल रहे हैं। कॉल सैबी जी की, हेड्स की कॉल, इस बार टेल्स आ गया है। क्या करना चाह रहे हैं? बॉलिंग करेंगे। चलिए ठीक है, जीते हुए। कौन हारा मैच? क्या बात, क्या हुआ? हारा मैच, जीत गया यार, क्या स्वागत है आपका रामजस क्रिकेट ग्राउंड में। और आज एक बहुत जबरदस्त मैच खेला गया एनआर सूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का। लीग मैच था ये, मगर पीपी फाइटर के नजरिए से बहुत अहम मैच था। इनको ये मैच जीतना था ताकि इस मैच को जीत के आसानी से वो राउंड टू में पहुंच जाते। और पीपी फाइट जो पंजाबी पैंथर थी ऑलरेडी राउंड टू में पहुंची हुई है, उनका ये आखिरी लीग मैच था और वो दिखाना चाहते थे कि उनमें कितना भी दम बाकी है, क्योंकि पिछला मैच वो हार गए थे। छोटा सा स्कोर था 137, एक स्कोर कुछ भी स्कोर नहीं है खासकर रामजस की विकटों पर, मगर आज पंजाबी पैंथर ने वो करके दिखाया जो बरसों याद किया जाएगा। क्लैपिंग है इस टीम के लिए, दोनों टीमों के लिए। जीता है मैच 6 रन से और दिखाया है कि अच्छी बॉलिंग और कप्तानी जबरदस्त हो तो ये स्कोर बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल मैं बात करूंगा हितेश की, जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया पीपी फाइटर की तरफ से। वो आएँ और सैबी जी उनको सम्मानित करेंगे। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग अच्छी करी। अब मैं बुलाऊंगा नितिन को उनकी जगह, उनके नोनी जी मेंटोर आएंगे। तो नितिन अभी है नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, तो बढ़िया जबरदस्त बहुत। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हैप्पी बाजी को, जिन्होंने हैप्पीनेस दे दी, ये इन्होंने गिफ्ट दे दिया गुरुपुरब का। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आज की, तो हैप्पी बाजी छा गए ने आज। वाहेगुरु जी ने इन्हू तोहफा दिता अज गुरुपुरब तो पहले और सब तो। और एक बंदा कंसिस्टेंसी से अपनी टीम को जिताता आ रहा है, लेकिन आज उसने मेन रोल निभाया है, वो है कप्तान खुद सैबी। 40 रन और 3 विकेटे, खतरनाक सैबी। तो जो बोले सोने यार, सैबी के घर पे इतने बर्तन ही बस। तो चलिए, पहले खेलना शुरू हुए दो जी। वन टू